दोस्तों आपने हमेशा ही देखा होगा, चाहे इंस्टाग्राम पर या फिर नॉर्मली, जब भी कंजूसी से रिलेटेड कंजूसी वाले जोक बनते हैं तो दो कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा बनते हैं, या फिर बनिया कम्युनिटी या फिर मारवाड़ी कम्युनिटी। इन्हीं दो कम्युनिटी पर सबसे ज्यादा कंजूसी वाले जोक्स बनते हैं। अब जोक तो वैसे तो कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारवाड़ी कम्युनिटी के बारे में, और बात कंजूसी के बारे में नहीं। बात दोस्तों हम करेंगे कि कैसे आखिरकार ये कम्युनिटी आखिरकार इतनी बड़ी बन गई, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। आखिरकार इनमें ऐसी कौन सी स्किल्स रही जिन्होंने इन्हें इतना ज्यादा पैसे वाला बनाया कि आज के समय पर कहा जाता है कि मारवाड़ी आदमी गरीब हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, एक्सेप्शन हर जगह हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा है कि अगर आदमी मारवाड़ी है तो पैसे वाला ही होगा, कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहा होगा और सक्सेसफुली उस बिजनेस को रन कर रहा होगा, और वो भी ईमानदारी के साथ। आखिरकार किस तरीके से इस कम्युनिटी ने अपने आप को इतना तगड़ी तरीके से बिल्डअप किया है, जोक वाली बात नहीं है। जोक तो कमजोर आदमी हमेशा ही, आपने देखा होगा, मजबूत आदमी पर जोक बनाता ही है। इस देश में अलाउड भी है कि छोटा आदमी बड़े पर जोक बना सकता है, बड़ा आदमी छोटे पर नहीं बना सकता, ये आपने जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप जान लीजिए। लेकिन सिर्फ जोक मारने से कुछ नहीं होता, अगर उनकी स्किल्स सीखी जाए तो डेफिनेटली उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। दूसरी कम्युनिटी पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे मारवाड़ी कम्युनिटी के बारे में कि आखिरकार उनमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, और पहले नंबर पर आता है दोस्तों अपॉर्चुनिटी सीकर। ये बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, या फिर हम इसे नेगेटिव टर्म्स में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपने सुना होगा अपॉर्चुनिस्ट का मतलब होता है हमेशा उल्टी डायरेक्शन में बात करना। नहीं, मैं सही डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ कि अगर इन्हें कहीं भी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है पैसा कमाने की तो उसे जाने नहीं देंगे। अगर अपने बिजनेस के अलावा भी इन्हें दूसरे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस बिजनेस में पैसा बनाया जा सकता है, तो डायरेक्टली ही नहीं तो इनडायरेक्टली ही सही, वहां पैसा लगाकर पैसा बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर अपने बिजनेस में कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होगी तो वहां भी यूज करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा है कि देश के जो बड़े बड़े मारवाड़ी बिजनेसमैन हैं, आपने कुछ ऐसे बिजनेस देखे होंगे जिन्होंने ऐसी ऐसी टेक्निक यूज करी कि जिसने पूरी दुनिया ही बदल दी, या फिर उस सेक्टर को ही चेंज कर दिया। आप ना एक चीज समझो, डीमार्ट, डीमार्ट की जो ओनर है मिस्टर राधा कृष्ण दवानी, वो भी एक मारवाड़ी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। आप उन्हें देखो, ऐसा नहीं है कि डीमार्ट वाला काम कोई और नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने उसी काम को किया, इस तरीके से किया, इस तरीके से किया कि उसकी, मतलब उस सेक्टर की पर्टिकुलरली जो भी दूसरी कंपनी थी उनके पांव उखड़ गए, स्पेशली बिग बाजार जैसी कंपनी, जो इतनी बड़ी कंपनी थी, फ्यूचर ग्रुप की कंपनी थी बिग बाजार, पूरी तरीके से तहस नहस हो गई। आज आदमी डीमार्ट जाकर उतनी शॉपिंग कर लाता है जिसकी उतनी जरूरत भी नहीं होती, सोचो उस तरीके की भी शॉपिंग करके आता है। तो उन्होंने उसी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी तलाशी, उसी में जहां पहले से सक्सेसफुली चल रहा था वो बिजनेस, उसी में अपॉर्चुनिटी तलाशी, उसे इस तरीके से किया कि दूसरे बिजनेसेस की धज्जियां उड़ गई। आप ये मान के चलिए, होटल इंडस्ट्री, क्या लगता है आपको होटल इंडस्ट्री कोई आज से नई शुरू हुई है? नहीं हुई ना, नहीं शुरू, बहुत पुराने जमाने से चल रही। रितेश अग्रवाल, एक सिर्फ और सिर्फ 21 से 22 साल का लड़का, उसने इस तरीके से इस होटल इंडस्ट्री को बदल दिया कि वो होटल इंडस्ट्री का किंग कहा जाने लगा। हालांकि आज ओयो की कंडीशन थोड़ी सी डगमगा जरूर रही है पहले के कंपेरिजन में, लेकिन हाँ, उसने होटल इंडस्ट्री को एक नया ही रूप दे दिया, और इंडिया में यंगेस्ट बिलियनियर का अवार्ड भी उसे मिला था। तो सोचो इस तरीके से, और वो भी मारवाड़ी फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, ऐसा नहीं है कि नए बिजनेसेस में ही नहीं, पुराने बिजनेसेस में भी जहां लग रहा हो कि कुछ नया हो सकता है वहां भी काम करने की कोशिश करते हैं। दूसरा नंबर दोस्तों, सेल्फ मैनेजमेंट। चाहे ये लोग, जैसे इनकी अगर मान लेते खुद की दुकान है, खुद की दुकान है, मिठाई की दुकान है, या फिर कपड़े की दुकान है, किसी भी दुकान है, कितने भी लोग काम पर रख लेंगे, चाहे कितने भी लोगों को काम पर रख लिया जाएगा, लेकिन जो मैनेजमेंट होगा वो अपने ही कंट्रोल में होगा, खुद ही मैनेजमेंट कर रहे होंगे। चाहे 10, मतलब उनका स्टाफ 10 का हो या 100 का हो या जितने का भी स्टाफ हो, लेकिन जो फाइनल मैनेजमेंट होगी, जो गल्ला होगा, उसे खुद ही संभालेंगे, दूसरों के हाथ में अपनी पावर को नहीं ट्रांसफर करेंगे, मैनेजमेंट खुद ही रखेंगे, जिससे कि वो मैनेजमेंट पर होल्ड भी कर पाए, पूरी स्टाफ पर अपना कंट्रोल भी जमा पाए।
तो सेल्फ मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही बड़ा लर्निंग प्रोसेस है जो हमें मारवाड़ी कम्युनिटी से सीखना चाहिए। तीसरा दोस्तों, इनकम स्ट्रीम, या फिर मैं बोलूं मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। ऐसा नहीं है कि अगर इनकी दुकान है तो सिर्फ दुकान से ही चिपके रहेंगे और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देंगे। मैंने आपको क्या बताया था, अपॉर्चुनिटी सीकर होते हैं, तो उसी में नंबर आता है इनकम स्ट्रीम का। अगर अलग अलग जगह पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही होगी कि यहाँ से इनकम कमाई जा सकती है, यहाँ से इनकम कमाई जा सकती है, तो वहां भी कोशिश करते हैं पूरे पूरे। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि अगर जॉब कर रहे हैं तो फिर जॉब में वो इस तरीके से देखते हैं जॉब को, मतलब इधर उधर की चीजें दिखाई भी नहीं दे, कोशिश ही नहीं करेंगे इधर उधर हाथ पैर मारने की, नहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, खुद का अच्छा खासा बिजनेस है भी ना, तब भी अपनी स्ट्रीम को, इनकम स्ट्रीम को स्पेशली मल्टीपल करने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट में है ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक में नहीं है तो क्या होगा, अलग अलग तरीके से इंटरेस्ट इनकम बहुत ज्यादा ये लोग जनरेट करते हैं, अपना पैसा ब्याज पर बहुत ज्यादा उठाते हैं, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं। अलग अलग छोटे मोटे बिजनेसेस में इन्वेस्ट भी करते हैं, अलग अलग तरीके से कई सारी इनकम स्ट्रीम ये लोग बनाते हैं दोस्तों। अब नंबर आता है दोस्तों चौथे पॉइंट का, और चौथा पॉइंट है लॉन्ग टर्म विजन। ये लोग आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी बार ऐसा देखा होगा कि कुछ नई शॉप्स खुलती हैं, और नई शॉप्स ऐसी भी खुलती हैं जिनमें 6 महीने साल भर तक कोई खास इनकम नहीं हो रही होती, कोई खास उससे ऐसा लग नहीं रहा होता कि ये कोई शॉप प्रॉफिट कमा रही होगी, लेकिन उसे भी बहुत अच्छी तरीके से वो लोग मैनेज करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसे चलाने की कोशिश करते हैं और करते हैं लंबे समय तक, क्योंकि इनका जो विजन है ना वो तुरंत पैसा कमाना नहीं होता। इनका जो विजन है वो तुरंत एक झटके में पैसा कमाना कभी नहीं होता, इनका होता है सालों साल पैसा कमाना। आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी कि जो मारवाड़ी कम्युनिटी होते हैं, इसमें जो लोग होते हैं वो जॉब वगैरह पे तो ज्यादा भरोसा करते नहीं, जॉब वगैरह पे तो विश्वास ज्यादा रखते ही नहीं, चाहे छोटा मोटा काम करेंगे लेकिन काम खुद का ही करेंगे। क्यों करते हैं वो छोटा मोटा काम लेकिन खुद का, चाहे उन्हें छोटी सी मिठाई की दुकान ही खोलनी हो लेकिन खुद की करेंगे, किसी के यहाँ कोई नौकरी नहीं, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, खुद। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आज मेरी ये छोटी दुकान है ना, ये सालों बाद जाके एक बहुत बड़े शोरूम में मैं डेवलप कर लूंगा। उन्हें अपनी स्किल्स पर भरोसा है, उन्हें मालूम है कि आज ये छोटी दुकान आने वाले समय में इतनी बड़ी हो जाएगी कि मैं जहाँ नौकरी करने के बारे में सोच रहा हूँ ना, कुछ समय बाद मैं ही यहाँ पर कई सारे लोगों को नौकरी दे पाऊंगा। तो ये होता है लॉन्ग टर्म विजन, कभी भी ना 6 महीने साल भर के बारे में नहीं सोचते, सालों साल के बारे में सोचते हैं। और पता है आपने देखा होगा कि मारवाड़ी कम्युनिटी को जो कंजूस कंजूस बोला जाता है ना, ये एक तरीके से स्टीरियोटाइप है। पांचवा पॉइंट इसी से ही निकल कर आता है, पांचवा पॉइंट है दोस्तों वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। ये लोग हमेशा प्रोडक्ट की वैल्यू करते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे अमेजन पे सेल आ गई, अभी भी देखो आने वाली कुछ दिन में सेल आ गई, 10,000 का जूता स्नीकर 6,000 का मिलने लगा, लोग दौड़ के आए, इतना खरीदा कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। क्यों भाई, ऐसा क्या था उस जूते में, उस स्नीकर में, जो आपने 6,000 रुपए सोचे भी नहीं और एक झटके में खर्च कर दिए? क्यों कर दिए? आपको अपने पैसे की कीमत नहीं पता कि वो पैसा कैसे कमाया था, या खुद आपने कमाया हो या आपके फादर ने कमाया हो, कैसे कमाया था? क्या उस जूते में में कुछ ऐसा है कि 6,000-10,000 रुपए उसके लिए खर्च किए जाए, या फिर वो कुछ आपको नई वैल्यू क्रिएट करके देगा, या फिर आपका स्नीकर आपको कुछ नया रेवेन्यू बनाएगा, नई वैल्यू क्रिएट करके देगा? नहीं ना। तो ये लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे जो इनके लिए फायदेमंद ना हो, जो इनके लिए वैल्यू ना रखती हो, कुछ भी ऐसी चीज नहीं खरीदेंगे। इसीलिए इन्हें कंजूसी का टैग मिल गया है, क्योंकि फालतू फिजूल खर्चा नहीं करते हैं, और लोगों ने क्या कह दिया, कंजूस है, कंजूस नहीं है, फिजूल खर्चा नहीं करते। और फिजूल खर्चा हमारे हमेशा ही पुराने जमाने से अगर आप देखेंगे अपने फादर को, उनके फादर को, वो लोग हमेशा ये कहते आए कि फिजूल खर्चा मत करो। मारवाड़ियों को ये बात समझ में आ गई, कुछ लोगों को समझ में आ गई, कुछ लोगों को नहीं आई, ये मान के चलो। तो उन लोगों को जो लोग उड़ाते हैं ना फालतू पैसा, और जिनके हाथ में पैसा होता भी नहीं, वो लोग उन लोगों से कहते हैं कंजूस, क्योंकि उन्हें प्रोडक्ट की वैल्यू का अंदाजा है, उन्हें प्रोडक्ट की वैल्यू का पता है, उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में पता है। समझ पा रहे? और जो लास्ट पॉइंट है ना, सबसे इंटरेस्टिंग, आपने ना राजस्थान से आते हैं ना मारवाड़ी लोग सबसे ज्यादा, मतलब वैसे तो अब पूरे देश में विदेशों में भी है, लेकिन उनका जो ओरिजिन है वो राजस्थान से निकल कर आता है, मारवाड़ जो एरिया है राजस्थान का। आपने देखा हो ना राजस्थान में बहुत सारी कम्युनिटी आती है राजस्थान से, और एक चीज नोटिस करी होगी
के ट्रेन रोके जाना, दंगा, मारकाट बहुत ज्यादा चलता है राजस्थान में। ट्रेन जब आंदोलन होते तो ट्रेन का चक्का जाम कर दिया, बंद पटरियां उखाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें चलती है। ऐसा नहीं कि राजस्थान के लोग खराब नहीं, बहुत अच्छे होते हैं राजस्थान के लोग, लेकिन आपने अक्सर ये देखा है कि कभी किसी मुद्दे पर, कभी किसी मुद्दे पर दंगे, फसाद, इतनी सारी चीजें होती रहती, लेकिन आपने ना उन सब में कभी मारवाड़ी को घुसते हुए नहीं देखा होगा। मारवाड़ी कभी ये काम नहीं करता, ना कोई दंगा करना, ना अपनी अब मांगे मांगना। सबसे पहली बात, कुछ नहीं चाहिए उन्हें सरकार से, कुछ भी नहीं मांगते, फिजूल मांगे हैं ही नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए, खुद ही कर लेंगे, सब कुछ खुद कर लेंगे, कुछ दे भी देंगे, आपको भी दे देंगे, चैरिटी भी कर देंगे, अच्छी खासी चैरिटी करते हैं लोग, आपने देखा होगा अच्छी खासी चैरिटी करते हैं, लेकिन किसी से कुछ नहीं मांगता, कोई फालतू की डिमांड नहीं, ना सरकार से ना ही किसी से, कुछ नहीं मांगना, सब कुछ खुद ही करना है, ना कोई दंगों में शामिल होना, ना कोई लड़ाई झगड़ा, अपने से छोटे आदमी को भी, अपने से उम्र में भी छोटे और इकोनॉमिकली भी कमजोर आदमी से इतनी प्यार से बात करते हैं कि उसे लगे कि मैं ही राजा हूं, इतनी हुकुम करके बात करते हैं, इतनी बढ़िया तरीके से मीठा बोलते हैं, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, लोग इस बात को नहीं समझ पाते और लड़ाई दंगों में ही लगे रहते हैं, उसी में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन अगर ये क्वालिटी को डेवलप किया जाए तो ना सिर्फ अपना बल्कि अपने आने वाली जनरेशन का भी फ्यूचर बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये वीडियो किसी की तारीफ या किसी की बुराई करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि इन स्किल्स को आपको भी डेवलप करना चाहिए, और अगर आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ये मैं ये नहीं कहता हूं कि मारवाड़ी को कॉपी करने लग जाओ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जरूर है, हर कम्युनिटी में ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें, और हर आदमी में भी कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जिन्हें हमें उनसे सीखना चाहिए, जिससे कि हम भी अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।